तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप URL Sotek से अपनी फाइल के लिंक पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है स्क्रॉल डाउन करके नीचे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डुअल टैप रैपिड लिंक फ्रेंड्स। और किसी बटन पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस पर जाकर सीधा देखते हैं कि यहाँ डाउनलोड नाउ लिखा है तो इस पर क्लिक कर देते हैं, बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डुअल टैप रैपिडली पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐड आएगा, इसको जस्ट कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड नाउ का ये वाला ऑप्शन जो है, इस पर आपको नहीं क्लिक करना है, आपको वेट करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको दिखाया गया, बट आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो टाइमर दिख रहा है उसमें जो टाइम चल रहा है उसके लिए वेट करना है, ठीक है। जैसे ये ज़ीरो हो जाता है उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ जो है लिंक मतलब टैब या बटन जो भी है ओपन हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा गो टू लिंक क्लिक टू ओपन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, और किसी भी चीज़ पर आपको क्लिक नहीं करना है। इसके बाद सामने सबसे मुश्किल जो है यहाँ पर ये होता है, ये वाला पेज, ये थोड़ा हम बता देते हैं ये एड्स, ठीक है। यहाँ पे मुश्किल होता है क्योंकि बंदे क्या होते हैं ना, बंदों का ये जो टाइमर है ना, यहाँ पे 3 सेकंड या 5 सेकंड पे स्टॉप हो जाता है, फिर उसके बाद बढ़ता नहीं है। फिर लोग सोचते हैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके रिडायरेक्ट कहीं और जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे प्लीज़ वेट लिखा है ना, आपको सिंपली प्लीज़ वेट पे क्लिक करना है। ये आपको रिडायरेक्ट करेगा, फिर से आपको बैक कर देना है। देन यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और ज़ीरो पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं हुआ तो फिर से करें, जब तक ये टाइमर ना स्टार्ट हो तब तक ये करते रहे, ठीक है, बैक करते रहे, ठीक है। यहाँ पे किसी और क्लिक डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक नहीं करना है और ये एड्स हटाते रहे, ठीक है। उसके बाद तो गाइस आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये दूसरी लिंक है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, ह्यूमन वेरिफिकेशन सबमिट पे क्लिक करना है। दूसरी साइट की मैंने लिंक कॉपी की थी तो ये उसका ही जो है मतलब सेकेंडरी है। ये टेलीग्राम पे भी ऐसे कई सारे लिंक्स आते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है। डबल लिंक टू जनरेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो आई एम नॉट रोबोट कुछ आ जाएगा, ठीक है, कैच कुछ कहते हैं इसको। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रिज पर क्लिक करना है। ब्रिजेस कहाँ हैं, बस यही है ना, ठीक है, नहीं एक ये भी है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद को डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो ओरिजिनल पेज है, जो मतलब जिस पेज पे हमें आना था, लिंक्स वाली पीछे कर देते हैं, ये हमारे सामने खुल गई है, मतलब, ठीक है।